तो क्या आप भी बनाना चाहते हैं मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रीन चटनी, जो कि ब्राइट ग्रीन कलर में है और एक सीक्रेट रेसिपी है ये। इसका ब्राइट ग्रीन कलर किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और इस मज़ेदार चटनी की रेसिपी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस रेसिपी के लिए हमने लेना है एक बंच फ्रेश हरा धनिया, और इसको हमने जो इसकी डंडियां होती है ना कच्ची वाली, उनके साथ लेना है। पीछे से थोड़ी सी हटा दें, बाकी सारी ले लें। आधा बंच लेना है पुदीना। हरा धनिया और पुदीने का रेशो यही रखना है। अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में बनानी है तो हरा धनिया का रेशो ज़्यादा होगा और जो पुदीना है वो हाफ क्वांटिटी में होगा। तो इसके साथ हमने ऐड किया है 1 इंच का अदरक का पीस, 1 टीस्पून चीनी, 4 अदद लहसुन के जवे, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 चुटकी काला नमक, 4 अदद हरी मिर्चें। एक टीस्पून नमक, और जो इसका ब्राइट ग्रीन कलर है ना वो कैसे अचीव होगा, अभी इसी वीडियो में आपको ये सीक्रेट बताते हैं। अच्छा, 3 टेबल स्पून इमली का पल्प। चीनी डालने का मकसद ये है कि जो इसकी खटास होगी और जो स्पाइसेस होंगी वो बहुत बैलेंस होंगी चीनी डालने की वजह से। फिर इसमें डाल देंगे 2 अदद आइस क्यूब्स। हाँ जी, आइस क्यूब्स डालने के बाद ना इसमें आपने 1 चम्मच पानी डालना है और अब इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिए, आप देख सकते हैं कितना ब्राइट ग्रीन कलर आया है चटनी का। ये जो ब्राइट ग्रीन कलर आया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइस क्यूब्स ऐड करने की वजह से आया है। जो हीट प्रोड्यूस होती है ना चटनी पीसते वक्त, उसको कंट्रोल करते हैं आइस क्यूब, और जो कलर होता है सब्जी का वो मेंटेन रहता है। पूरा 1 महीने तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो रमज़ान आने से पहले ये छोटे छोटे काम करके रख लें ताकि आसानी हो जाए कामों की। इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं आप एयरटाइट जार में।